बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उनकी मौत ने देश में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। आज हर कोई उनकी मौत की वजह को जानना चाहता है। 14 जून को सुसाइड करने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 3 ट्वीट पोस्ट किए थे, जिसके बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत ने तीनों ट्वीट 14 जून को सुबह 5:43 पर पोस्ट किए थे। सुशांत सिंह के तीनों ट्वीट मिल गए हैं, जिसे पढ़कर सुशांत सिंह के उस वक्त की मनोदशा को जाना जा सकता है। हम आपको सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत का पहला ट्वीट दिखा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने पहला ट्वीट 5:43 पर किया था। सुशांत ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हम आदमियों से हमारी सेहत, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचारों के बारे में, हमारे जिंदगी के बारे में नहीं पूछा जाता है। हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। मैं इस सब चीज़ों से काफ़ी गुजर चुका हूँ और इस तरह की कोशिशें करने से मैं अब थक चुका हूँ। आप लोगों के साथ ये लंबा सफ़र रहा, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों ट्वीट कर रहा हूँ। इसके बाद सुशांत सिंह ने एक और ट्वीट लिखा। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से काफ़ी लड़ चुका हूँ और मैं कुछ ही देर में ट्वीट्स डिलीट कर दूंगा, ताकि आप में से कुछ लोग ये जान पाएं कि मैं इस मीडियोकर सक्सेस से तंग आ चुका हूँ। मुझे फेम नहीं चाहिए, बहुत आरामदायक होता होगा ये, लेकिन इसे झेलना बहुत डिस्टर्बिंग है। इसके बाद 5:43 पर ही सुशांत सिंह राजपूत ने तीसरा और आखिरी ट्वीट लिखा। आखिरी ट्वीट में सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा कि मैं ये सब कुछ खत्म कर रहा हूँ एक अच्छे अंत के लिए, दूर जा रहा हूँ लेकिन तुम लोगों के पास रहने के लिए। हो सकता है इसके बाद लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दें, अपने विचारों को अपने अंदर रखना बंद कर दें, फिर मिलेंगे दुनिया की दूसरी तरफ, गुड बाय। सुशांत के इस तीनों ट्वीट ने आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मौत की वजह स्पष्ट तरीके से बता दी है। सुशांत ने अपने ट्वीट में बताया कि किस तरह से वे जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें क्या चीज पसंद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मैं मीडियोकर सक्सेस से तंग आ चुका हूँ, मुझे फेम नहीं चाहिए, बहुत आरामदायक होता होगा ये, लेकिन इसे झेलना बहुत डिस्टर्बिंग है। मरने से पहले सुशांत ने जो ट्वीट किया था 5:43 पर, इस ट्वीट से पुलिस को अनुसंधान करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और पुलिस बहुत जल्द सुशांत के गुनहगारों तक पहुंच जाएगी कि आखिरकार सुशांत के मरने की वजह क्या थी और कौन सुशांत को इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहा था। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, धन्यवाद।